सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव कीरे महाराज ने पत्र परिषद ली, जिस दौरान उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर बनाए जा रहे भव्य मंदिर से जुड़े अभियान के बारे में जानकारी दी। हिंदू जनमानस की श्रीराम के प्रति अगाध श्रद्धा है और इसी श्रद्धा का प्रतीक श्रीराम जन्मभूमि पर बनने जा रहा है, जिसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति का सहयोग इस मंदिर निर्माण में रहे, इस दृष्टि से 10-100 रुपए राशि के कूपन तथा रसीद द्वारा राशि संग्रह की जाएगी। ऐसी जानकारी इस पत्र परिषद में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरे महाराज द्वारा दी गई। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जो 3 से 3.5 लाख शिलाएं पहुंचाई गई, उनका इस्तेमाल में मंदिर निर्माण में किया जाएगा और कोई भी शिला व्यर्थ नहीं जाएगी। रुपये बाकायदा इस कोष के न्यास में स्थलांतरित हो गए। हाँ, लगभग 3 से 3.5 लाख शिलाएं, मतलब ईंटे विटा जो गांव-गांव से वहां पर ले जाई गई थी, वो वहां पर सुरक्षित है और उनका भी उपयोग हम करने वाले हैं। मंदिर में ये ईंटें तो लगेगी नहीं, लेकिन मंदिर के समीप जो अत्यंत ढलान का स्थान है उसको भरने के लिए इन समस्त ईंटों का उपयोग होगा। एक भी ईंट हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पत्र परिषद में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्य मंदिर में लगने वाले सभी पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़ से ही आएंगे, क्योंकि उन पत्थरों के घड़े का कार्य वहां पिछले 25 सालों से हो रहा है और अब तक लगभग 40.0 पत्थर भी बन चुके हैं। मुख्य मंदिर को बनने वाले सारे के सारे पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़ से ही आएंगे। इसका कारण यह है कि इन पत्थरों की घड़ाई का काम 25 वर्ष पहले आरंभ हो चुका है और 40% से अधिक पत्थर घड़े जा चुके हैं। यह काम पूज्य अशोक जी सिंघल ने आरंभ किया था और 40% पत्थर जब घड़े जा चुके हैं तो अब अन्य पत्थर उसके साथ मैच नहीं होगा, इसलिए राजस्थान के बंसी पहाड़ के ही पत्थर का वहाँ पर उपयोग करेंगे। अब दूसरी बात है, परकोटा के लिए पत्थर अथवा अन्य इमारतों के लिए पत्थर ये हम चुनार का लेंगे अथवा जोधपुर का सैंडस्टोन है वो लेंगे, उसमें चयन करते रहेंगे, लेकिन मुख्य मंदिर जो बनेगा वो राजस्थान के बंसी पहाड़ का ही बनेगा। ऐसा है, ये जो मुख्य मंदिर बनेगा उसकी अनुमानित लागत हम लोगों की दृष्टि से मुख्य मंदिर की केवल वो 300 से 400 करोड़ के बीच में है। अब परिसर की जो बात है, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि 1100 करोड़ से कम नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी हमारे अनुमान की बातें हैं। इसमें जो मुख्य मंदिर के लिए है उतना तो हमें इकट्ठा करना ही पड़ेगा और बाद में जितना राम जी की कृपा से जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम उसमें लगाते जाएंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी भी पार्टी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ राष्ट्रीयता के जागरण से मतलब है। हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें राम भक्तों से मतलब है, भारतीय संस्कृति से मतलब है, हम लोगों को हमारे देश के जागरण से मतलब है, राष्ट्रीयता के जागरण से मतलब है। अब राष्ट्रीयता के साथ जो जो है वो अपने आप इससे लाभान्वित होंगे तो वो उनकी बात है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण वो नहीं है। मंदिर के निर्माण में हम शासन से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यदि कोई शासन देता है तो हमें अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। बता दें कि इस अभियान के लिए विधायक प्रांत की समिति का गठन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवनाथ पीठाधीश्वर आचार्य जितेंद्र नाथ महाराज करेंगे और इसी के साथ नागपुर महानगर की अभियान समिति अलग से बनी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।